हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मसाला मंचीज। आज मैं लेके आई हूँ सूजी से झटपट बनने वाला टेस्टी नाश्ता, जो कि बहुत ही हेल्दी है। तो फिर चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में रहे बेल आइकन को प्रेस करें। एक बाउल में एक कप सूजी लेंगे, उसमें आधा कप दही डालेंगे। दही आपको ज्यादा खट्टा नहीं लेना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम 3/4 कप पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे ढककर 10 मिनट रहने देंगे। 10 मिनट हो गई है, अब हम सारे मसाले कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक, 5 से 6 करी पत्ते बारीक काटे हुए, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1/4 कप हरा कैप्सिकम, 1/4 कप बीन्स, 1/4 कप स्वीट कॉर्न, 1/4 कप गाजर, 1/4 कप प्याज। सारे वेजिटेबल्स बारीक काट कर लेने। आप अपने अनुसार वेजिटेबल्स ज्यादा या कम कर सकते हैं। इसकी हमें ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है। ज्यादा गाढ़ा हो तो आप पानी डाल सकते हैं। इसमें से 2 लेडलफुल बैटर हम दूसरे बॉल में निकालेंगे। इसमें 1/2 चम्मच इनो डालेंगे। अगर आपके पास इनो ना हो तो आप 1/4 चम्मच खाने का सोडा भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पैन में 2 चम्मच तेल लेंगे। तेल गरम हो जाए तब हम उसमें इनो वाला जो बैटर बनाया है वो डालेंगे। और इसे अच्छे से फैला लेंगे। ढककर 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पर हम इसे पकने देंगे। अब हम इसे धीरे से उल्टा करेंगे। कितना बढ़िया कलर आया है इसका। इसके ऊपर हल्का सा कट लगाएंगे, पूरा हमें इसे तोड़ना नहीं है। बटर रखेंगे और ढककर इसे 2 मिनट तक पकने देंगे। 2 मिनट हो गई है, अब हम इसे चेक करेंगे कि ये पका है या नहीं। ये पक गया है।
गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। हरा धनिया डालेंगे, प्लेट में निकालकर केचप और हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। आप भी ये हेल्दी और आसान नाश्ता जरूर से ट्राई कीजिए और नेक्स्ट रेसिपी आप कौन सी देखनी है ये मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं।